बिजली डिपार्टमेंट का एक बंदा भी अभी इनके पास नहीं आया है ये देखने के लिए। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी बिजली वाला कोई भी इनके पास नहीं आया है, ना हॉस्पिटल में कोई आया कल से और ना यहाँ पे कोई आया। लिहाजा हम एलजी साहब से फिर गुजारिश करते हैं मीडिया के जानिब से कि एलजी साहब फौरी तौर इस चीज़ का एक्शन लिया जाए और जो भी दोषी बंदे हैं उनके खिलाफ फौरी तौर एक्शन किया जाए बिजली की वजह से। हाँ, वो पिछले साल भी एक हादसा हुआ, एक बंदा तभी मर गया था। इसके बाद भी बिजली विभाग नहीं सतर्क होता? बिजली विभाग खामोश है। आप देखेंगे ये जो खंबे के हालात देख रहे हैं, जो कल बिजली की तार टूटी हुई थी, जो इसका क्लंप वगैरह था वो टूटा हुआ था, तो इन्होंने फौरी तौर अभी टेपे लगाई है। हाँ, इन्होंने फौरी तौर पर जब ये सब लोग हम लोग तो हॉस्पिटल चले गए, फौरी तौर पर ये फिर एकदम आए और इन्होंने क्लंप लगा दिया अपने आप को बचाने के लिए। 12 साल का बच्चा जिसका नाम सलमान था, उसकी करंट लगने की वजह से मौत हो गई। कल शाम को ये वारदात जो है वो हुई है। इस समय मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ, मैं आपको दिखाऊँ भी एक बार। ये सामने जो आप ये हाई वोल्टेज तारें यहाँ पर देख रहे हैं, ये तार अभी अपनी असली पोजीशन पर है, लेकिन कल शाम को ये तार नीचे की तरफ थी। सामने थोड़ा और आपको लेकर चलते हैं आगे। ये जो एरिया है ये एरिया खाली है और ये जो तारे हैं ये तार नीचे थी और सामने ये जो आप यहाँ पर नाली देख रहे हैं इसी में ये बच्चा करंट लगने की वजह से गिरा है। वो सामने आप चप्पल देख सकते हैं उस बच्चे की। जिस वक्त बच्चे को करंट लगी उस वक्त बच्चा करंट लगने के बाद जो झटका मिला है बच्चे को उसके बाद वो यहाँ पर नीचे गिरा है। ये उसकी चप्पल और ये उसके यहाँ पर गिरने के निशान है। यहाँ पर लापरवाही साफ साफ मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, किनकी लापरवाही आप जानते हैं। बच्चे के पापा मेरे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया? इदरीस अहमद। मुझे बताएं कि कल शाम को पूरा इंसिडेंट क्या हुआ वो बताएं। मेरा बच्चा यहाँ पे आया हुआ था, और भी बच्चे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो तार लटकी हुई थी कल, वो मतलब पतंगबाजी वगैरह चल रहे थे तो यहाँ से चल रहा था बच्चा, तो वो ये तार लटकी हुई थी, उसका हाथ यहाँ पे टच हुआ बच्चे का, तो उस ये तार उस समय इस पेड़ के पास थी, ये नीचे आई हुई थी तार। नीचे आई थी, बहुत नीचे तार थी ये पेड़ था। तो ये तार बहुत नीचे आई थी, तो मेरे बच्चे का हाथ जो तार के साथ लग के मेरा बच्चा वहीं पे खत्म हो गया। एट अ टाइम वहीं पे खत्म हो गया। जिस टाइम मैं पहुंचा तो मैंने देखी तार बिल्कुल नीचे थी, और फिर उन्होंने बिजली बंद करके ये तार ऊपर की है। अब आप खुद देखो 3.5 फुट का बच्चा और यहाँ पे देखो कितनी हाइट है, कम से कम 15 फुट हाइट होनी चाहिए। तो उस टाइम मेरे को नहीं लगता है कि 3 फुट भी हाइट थी तार की, ये तार बिल्कुल नीचे आई हुई थी और फिर उन्होंने बिजली बंद की है। बिजली बंद करने के बजे फिर ये इंसिडेंट होने के कितनी देर के बाद बिजली बंद हुई है? ये इंसिडेंट होने के कितनी देर के बाद, जब बच्चे को करंट लगी कितनी देर के बाद वापस अपनी पोजीशन पर तार पहुंची है? जब हम यहाँ से बच्चे को ले गए थे फिर उन्होंने बिजली बंद की उसी टाइम, और फिर ये जो तार है ना ये तार उन्होंने ऊपर की है। और ये लापरवाही जो है बिजली डिपार्टमेंट की है। यहाँ पे हमेशा और भी आलसे होते रहते हैं यहाँ पे बिजली डिपार्टमेंट में। पहले भी एक बच्चा वहाँ पे गुजरा है, वो भी इसी ऐसा हुआ, इसी वजह से तार। और ये तार तो अगर चलो ये बच्चा हमारा था, और ही बच्चे थे, अगर और भी बच्चे लग जाते तो क्या होता है? ये बिजली डिपार्टमेंट कर रहा क्या था उस टाइम? ये तार क्यों नहीं ठीक की? आप देखो वो तार कितनी फुट है, इतना मेरा बच्चा जा सकता है? नहीं। आप देखें, मैं देखें वहाँ पे मारे कैमरा वहाँ पे दिखाओ उनको, आप देखो ये बिल्कुल तार नीचे थी। इतनी लापरवाही बिजली डिपार्टमेंट, ये किस वजह से तार इतनी नीचे? ये तो हाई वोल्टेज तारे हैं, ये तो इतनी नीचे होती नहीं है। तो अब आप मेरा बच्चा तो जंप मार के तो ऊपर तो गया नहीं, आप खुद देख सकती हैं। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब क्योंकि कुछ दिनों से बारिशें भी थी। जी। अच्छा, तार ये लूज हो चुकी थी मैम, ये तार लूज होने की वजह से तार नीचे आ गई हुई थी। तो क्या मोहल्ले वालों ने बोला भी नहीं, एक बार बताया भी नहीं बिजली वालों को कि इसको ठीक किया जाए, ऊपर किया जाए? ये बोला भी होगा डिपार्टमेंट को, आए नहीं होंगे, बोला होगा डिपार्टमेंट को, लाइनमैन को भी बोला होगा शायद। अच्छा, मुझे बताएं कि मौके पर आप थे यहाँ पर? जी मैं मौके पे नहीं था, मैं शॉप पे था। तो यहाँ गाड़ी ऊपर प्लांट लगा, प्लांट वाले ने मुझे फ़ोन किया कि भाई आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं दुकान पे हूँ। उसने कहा जल्दी आओ यहाँ पे। मैं आया तो वो नीचे लड़का पड़ा हुआ था और मैंने उसकी छाती को दबाया ऐसे करके, उसको सांस नहीं आ रही थी। इतनी देर में डॉक्टरों की टीम जा रही थी बत्रा की, वो मैडमें सभी आ गई, उन्होंने भी आके चेक किया तो उन्होंने कहा कि ये ख़त्म हो चुका है। मगर उस टाइम तार ये बहुत नीचे थी, तार उससे तार से ही उसका हाथ लगा तो लड़का ज़ोर से नीचे गिरा। उस टाइम जब नीचे गिरा थोड़ी बहुत उसको सांस आ रही थी, कोई 2-3 मिनट के बाद उसकी सांस चली गई। बच्चा उस तरफ करने क्या गया था?
बच्चे यहाँ खेल रहे थे, पता नहीं यहाँ से ऊपर जा रहे थे, क्या चक्कर था, पतंगबाजी के चक्कर में, और यहाँ दीवार के ऊपर बच्चे जैसे दीवार के ऊपर चल चल के जा रहे होंगे एक दूसरे के साथ, एक दीवार के ऊपर बच्चे तो हुए, एक दूसरा दीवार के पीछे पीछे ऊपर चल के जा रहे थे, उसका कहीं जहाँ बाल लग गए, जहाँ हाथ ऊपर ऐसे कर रहे होंगे तो हाथ लग गया उसका, मतलब इतनी नीचे तार, हाँ तार बहुत नीचे थी, तार के फोटो है दरीज भाई के पास शायद पड़े हुए हैं जब नीचे वाली के। जी मैडम ऐसे ही हुआ। अच्छा अभी भी मैं देख रही हूँ कि एक और तार है, ये भी आई थिंक ये केबल वायर है, ये तार की भी जो हाइट है ये भी बहुत नीचे है, इवन के ये पेड़ को टच करते हैं। हाँ हाँ, केबल वालों ने भी अक्सर ऐसे ही गन डाला, उधर वहाँ गेट के पास भी देखो नीचे पड़ी है तार, इधर देखो पंप पे देखो, वहाँ दुकान के पास, ये तारों का यहाँ पर बिजली की तारों का ऐसे ही हाल रहता है। हाँ ऐसे ही हाल रहता है, बोलते हैं इनको ऊपर करने के लिए तो ऐसे कर देते हैं। क्या आपने कभी इससे पहले, जब पिछली बार ऐसा हादसा हुआ था, पिछली बार कभी मतलब उस टाइम बिजली डिपार्टमेंट तक आपने नहीं ये बात पहुँचाई कि ये इंसिडेंट यहाँ पर हो रहे हैं, एक ऑलरेडी हो चुका है और आज एक और हो चुका है? नहीं, जब दूसरा हादसा हुआ था उन्होंने तार चेंज कर लिए वहाँ से, ये सरना साहब हमारे इंटरव्यू देंगे, वहाँ से इन्होंने तार चेंज कर लिए, वहाँ से वहाँ उस पार हुआ था ग्रिफकैंप के पास, वहाँ पे इन्होंने तार चेंज कर लिए। अच्छा, वहाँ पे हाइट कर दी तार, वहाँ पे पहले ड्रोन थी तार, वो फिर उन्होंने हाइट कर दी। अच्छा, यानी उनको पहले बुलावा देना पड़ता है कि एक साल पहले ही हादसा हुआ था, वहाँ भी बच्चे की जान गई थी, खुद आकर चेक नहीं करते यहाँ पर, कहाँ करते हैं चेक, वो खाली एक महीने के बाद बिल देने आते हैं, बस यही काम है उनका। अच्छा, आप भी थे यहाँ पर? नहीं मैं यहाँ पर नहीं था मैम, लेकिन हम बाद में पहुंचे यहाँ पे, लेकिन तार नीचे लटकी हुई थी यहाँ पे, तो फिर हम बच्चे को लेकर के जीएमसी चले गए और उसके बाद बिजली डिपार्टमेंट यहाँ पे आया हुआ है और उन्होंने इस तार को ऊपर किया हुआ, लिहाजा हमारी एलजी साहब से यही गुजारिश है कि फौरन इसकी ताकीकात की जाए, क्योंकि इसका 12 साल का बच्चा गया हुआ है और ये मजदूर शख्स है और ये घड़ियाँ लगाता है वहाँ टेबल पे और अपना टाइम पास करता था, इसका एक ही बच्चा था जिसकी डेथ हुई है, तो हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि फौरी तौर इसका एक्शन लिया जाए, जो भी इसमें दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, आप सरपंच? जी मैम, एक्चुअली जो है ना ये मैम, ये तारें जैसे बता रहे हैं जैसे जिन्होंने देखी कि नीचे आई हुई थी, तो यकीनन बात है जब जैसे बरसात का मौसम चल रहा है तो तारें मतलब नीचे आती हैं, कम से कम उनको देखना चाहिए डिपार्टमेंट को, जी डिपार्टमेंट को ये देखना चाहिए हमारा कहाँ फॉल्ट है, मगर डिपार्टमेंट को भी किसी ने इन्फॉर्म किया या नहीं किया यहाँ से, तो मुझे भी हमारी इन्फॉर्मेशन में भी नहीं था। अच्छा, मतलब लोग भी यहाँ के अवेयर नहीं, वो भी इन्फॉर्म नहीं करते हैं? उन्होंने भी किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया, अगर इन्फॉर्म किया होता तो शायद हम भी उनको इन्फॉर्म करके बता देते भाई इसको हटा दो, तार को हटाओ, मगर हम बिजली वालों से भी यही कहना चाहते हैं ये तो हमारा बच्चा चला गया, मगर आइंदा जो है कोई किसी के साथ ऐसा वाकया ना हो, ताकि इनको तारों को रिपेयरिंग किया जाए दोबारा, मतलब इनको जो ठीक किया जाए। ये दूसरा ऐसा मामला हुआ है? हाँ, पहले एक मतलब ऐसे एक मामला हुआ था, वो जो दुकानों पर हुआ था, हाँ मैंने वो देखा नहीं, मैं सुना था, तो वहाँ भी एक वाकया ऐसा हुआ था, फिर वहाँ से उन्होंने तारें शिफ्ट कर दी थी। अच्छा, जी मैम। यानी बिजली डिपार्टमेंट यहाँ पर किसी हादसे का इंतज़ार करता है, उसके बाद जाकर उनको नींद खुलती है कि ये जो तारें हैं इनको ठीक करना है, ऐसे खुद कभी मोहल्ले वाले लोग नहीं जाकर बोलते हैं या बिजली डिपार्टमेंट खुद भी कभी देखने के लिए नहीं आता है? नहीं, एक्चुअली बिजली वाले तो ऐसे देखते रहते हैं, मगर इसका भी कब से है कब से नहीं किसी को पता भी नहीं है कि तार कब से है, तार तो ढूंढ थी ना, तो इसलिए कब मतलब तार आई, कब मतलब ये गिर गई, उन्होंने ठीक क्यों नहीं की, जहाँ यहाँ नहीं आए, कितने दिन से नहीं आए, ये कोई पता नहीं है, ये बता सकते, मगर आते हैं यहाँ बिजली वाले चेक करने के लिए, बिजली वाले आते हैं यहाँ, बिजली वाला आया, उन्होंने ठीक की थी, फिर मोड़े टूट गए, क्योंकि बरसात के मौसम में हो सकता है फिर टूट गए, मतलब पक्के तरीके से नहीं ठीक। सही देखा जाए तो उन्होंने डेली मतलब चेक करना चाहिए बिजली वालों ने, डिपार्टमेंट वाले सामने लगाए रहे थाई 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 तार खड़ी दी है, ये तार पहले डाउन ही है, देखो ना सारी टूटी थी सामने लगाई है, आओ देखो सामने बिल्कुल ये लगा बिल्कुल ताई ताई हूं गंडी है, नहीं तो पहले सामने लगा टूटी थी गंडी थी तारे, आहो फिर से टूट गई, इनको ये कह जाए कि जो इनका इंटरव्यू है, मैं कह रहा हूँ ये जो इनकी एलटी इन्होंने वो टेंडर दिया हुआ, इनको एलटी वाले टेंडर दिया इनको, जो ये उससे बुलाए और उनको बुलाकर तार को हाइड कर दे, क्योंकि कल किसी का हर्ष था, अभी भी ये टेंपरेरी काम किया, अभी तो टेंपरेरी मैम, अभी तो इनका इमरजेंसी है ना, अभी इनको लाइट भी चलानी है इन्होंने, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि इनके नए एक दो पुल लगेंगे, वो ट्रांसफार्मर हमारा आगे उससे भी तार हाइड करें, क्योंकि वो तार इनके बिल्कुल साथ में है, अगर ये ऊपर करें उसके साथ दूसरे टच होती है, ये दोनों ऊपर दूसरी एलटी लगा दी, दूसरी ये नीचे लगा दी इन्होंने, क्योंकि उसके फैसले से अगर ऊपर करें तो तार दोनों टच होने का खतरा, पक्का काम कोई नहीं होता नहीं मैम, पक्का कैसे होगा फिर, अब कोपनी है इनकी, कोपनी आती है, बोला मैं जैसा को बोला था कोपनी वाले बोलते हैं आज आएंगे कल आएंगे, कोपनी वाले इनके आए नहीं अभी तक,
उनको कोपड़े दिए इन्होंने कोपड़े में लोग। अच्छा, ये हादसा होने के बाद भी बिजली डिपार्टमेंट वाले यहाँ आए और टेम्प्रेरी काम करके चले गए? जी बोले हम टेंडर उसको जो हमारे वो कोपड़े वाले हैं हम उसको बुलाएंगे तो वो करेगा, आप उनके पास है नहीं बोले हमारे पास, अब ये कोपड़े वाले के पास ही है। पूछा कभी वक्त पूछा कि टेंडरिंग होती है? जब टेंडरिंग होती है तो फिर ही वो काम करते हैं, ऐसे टेंडरिंग के बगैर वो काम नहीं करते, ऐसे छोटा मोटा करके चले जाते हैं, मतलब ठीक करके जी टेम्प्रेरी करके चले जाते हैं। इनके पास भी कुछ है तो है नहीं है कि अपने हाथ में कि हम खुद 1-2 लाख रुपए लगा के करेंगे, वो इनके पास है नहीं है। हर गवर्नमेंट ने टेंडर का दिया है, उनको बोला है वो भी लड़ने वास्ते, जो उनके मेन चक्कर हुआ कि जो उनके एलटी वाले है ना टेकर वो इनके खराब है, वो इनके बहुत खराब, जिस हिसाब से मेरी 2-3 बार पहले बात हुई वो खराब है इनके, वो आते हैं इनकी बात नहीं मानते, शायद नहीं मानते, एक्शन सब से 1-2 बार बात हुई थी बोलते हम बोलते हैं इनको, बोल वो आए नहीं बात इनके, यानी ऊपर से अफसर बोलते हैं बट नीचे काम करने वाले नहीं। अफसर क्या है, वो एलटी वाले इनके टेंडर वाले है, इनके टेंडर हुआ है प्राइड वाले, और कसूर उनका ना टंडी वाला कसूर तो उनका ज्यादा है जी, कसूर ज्यादा उनका है। यहाँ पे मैम एक समस्या नहीं है, जैसे कि आज एक बच्चे की मौत हुई है जो 12-13 साल की उम्र का बच्चा था, बिल्कुल बिजली की सरासर लापरवाही की वजह से हुई है, क्योंकि तार जब मैं भी कल मौके पे शाम को पहुंचा, तार बिल्कुल जो दीवार थी दीवार जमीन से ऊंची 3 फुट है, और बच्चा जो था वो तकरीबन 3 फुट का था, 6 फुट हो गया, 6 फुट के साथ ही तार थी जमीन से ऊपर 6 फुट तार थी। हाँ जी, वो बच्चे अक्सर यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं, काफ़ी सारे बच्चे, ग्राउंड टाइप की जगह है यहाँ पे, तो जैसे बच्चे दीवार से गुजर रहे थे तो बच्चे के हाथ जो 3 फुट के बच्चे थे वो छोटे थे, बच्चे की हाइट 4 फुट थी, तो उसका जैसे ही सिर लगा उसने ऐसे सिर को बचाने की कोशिश की, हाथ लग गया तो बच्चे की मौत पे डेथ हो गई। आप इस वक्त देखें, एक तो डेथ हो गई, दूसरा नंबर जहाँ पे इस वक्त आप खड़े हैं यहाँ पे जो पंचायत खानपुर है, यहाँ पे 99% जो लोग हैं वो मजदूरी पेशा हैं, और आप महीने के बाद कभी जब बिल आते हैं इनके तो आप चेक करेंगे आप खुद भी हैरान रह जाएंगे, इनके घर में एक बिजली का बल्ब है, ना पक्खा है, ना कोई कूलर है, ना एसी है, लेकिन फिर भी किसी का गर्मी में कैसे रहते हैं? 2000 गरीब लोग हैं ना, बिल देखें आप इनका 2000, 3000, 1500, 1800, ये लोग रोते पीटते हैं लेकिन बिजली विभाग इनकी बात नहीं सुनता है। नहीं, आप जितनी बिजली इस्तेमाल करेंगे बिजली विभाग तो उतनी बिजली, आज वो नहीं है, आज वो चीज़ नहीं है, ये सीधा बिल भेजते हैं 5000 का, 4000 का, 3000 का, दो लोग रोज प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी बात इंटरव्यू कर देते हैं मीडिया में, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तो एक हादसा हुआ है, आपको कहने का मतलब आप इतनी बिजली इस्तेमाल नहीं करते जितना आपका बिल आता है, ये सारे गरीब लोग हैं यहाँ पे, 90% गरीब पेशा लोग हैं, मजदूरी पेशा लोग हैं। आप एक हादसा और होने वाला यहाँ इन दिनों में जो बरसात का मौसम चल रहा है, हमारे एरियाज में जो भी ट्रांसफार्मर लगे हैं हम कहीं और देखते हैं तो उस ट्रांसफार्मर को कवर किया जाता है, एक जाले की तार लगाई जाती है, हमारे जितने भी ट्रांसफार्मर हैं उनके वो जो अपने एक नया सिस्टम लगाया है प्राइवेटाइजेशन का वो तो ओपन है, और उसके साथ जो घास फूस है वो पूरा लिपटा हुआ है, वो सारे ओपनली हैं, उनके साथ जाला वगैरह नहीं लगाया हुआ है। वो तारों की इतनी बुरी हालत है, अगर एक रत्ती पर हवा चलती है तो बिजली हमारी बंद हो जाती है, क्योंकि हर तार जो है वो उलझी हुई है दरख्त के साथ। कहीं किसी का अभी 2-4 दिन पहले 1 लाख रुपए की बैंक स्टाई थी एक बंदे ने, वो भी मर गई बिजली की वजह से। हाँ, वो पिछले साल भी एक हादसा हुआ, एक बंदा तभी मर गया था। इसके बाद भी बिजली विभाग नहीं सतर्क होता? बिजली विभाग खामोश है, आप देखें ये जो खंभे के हालात देख रहे हैं, जो कल बिजली की तार टूटी हुई थी, जो इसका क्लंप वगैरह था वो टूटा हुआ था, तो इन्होंने फौरी तौर पर टेपे लगाई हैं। हाँ, इन्होंने फौरी तौर पर जब ये सब लोग हम लोग तो हॉस्पिटल चले गए, फौरी तौर पर ये फिर एकदम आए और इन्होंने क्लंप लगा दिया अपने बचाने का, अपने आप को बचाने के लिए, चलो अपने आप को बचाएं, लेकिन जिनका बच्चा गया उनका क्या बनेगा, उनका एक ही बच्चा था। एलजी साहब से आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? जी सबसे भी गुजारिश करेंगे, और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बिजली विभाग के आला अफसरान हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि एक जो बड़े अफसरान हैं यहाँ पे चीफ साहब हैं, वो आके खुद टूर करें, पंचायत खानपुर से शुरू हो जाएं, जो जम्मू से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, वो आप जगटी शिब्बा बमेल तक जाएं, इतनी बुरी हालत है तारों की और ट्रांसफार्मर की, बिल्कुल उनको कवर नहीं किया गया, और पता नहीं अभी कितने हादसे होने वाले हैं। और हमारी एक लास्ट में एक गुजारिश है कि एक तो हादसा हो गया है, जो आने वाले हादसे हैं उनको रोका जाए, नहीं तो जिनकी लापरवाही से हुआ है उन पे सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। बच्चे के जो पिता हैं वो इस कंडीशन में भी नहीं है कि वो ठीक से बात कर पाए, और जैसे ही जैसे कि पहले आपने देखा कि जो माता जी हैं बच्चे की वो इस टाइम पे उस मतलब उस कंडीशन में ही नहीं है, उस मतलब मेंटली जो इस टाइम पे जो उनकी हालत है वो वैसी है ही नहीं है कि वो इस टाइम पे बात कर सके। जाहिर सी बात है, एक माँ का 12 साल का बच्चा उसने खोया है, किस माँ बाप को, जिस घर का चिराग बुझा हो उस घर के माँ बाप से ही कोई जाकर पूछे। और यहाँ पर सवाल बिजली डिपार्टमेंट से बनता है कि आखिरकार बिजली डिपार्टमेंट कहाँ काम कर रहा है,
खानपुर के जितने भी रहने वाले लोग हैं बार बार बिजली डिपार्टमेंट के दरवाजे खड़खड़ाते हैं, बार बार उन्हें बोलते हैं। और ये पहला हादसा नहीं है, जैसे कि यहाँ के लोगों ने बताया कि ये दूसरा हादसा है, इससे पहले भी ऐसे ही हादसा हो चुका है, एक बच्चे की मौत हो चुकी है इस वजह से। उसके बाद भी बिजली डिपार्टमेंट को होश नहीं आई, उसके बाद भी बिजली डिपार्टमेंट की आँखें नहीं खुली कि आकर ये कोई मामूली तारे नहीं है जिनके साथ नॉर्मल करंट लगेगा तो बच्चे को इंजरी हो जाएगी। ये हाई वोल्टेज तारे हैं जो ज़मीन से 6 फुट की दूरी पर थी। और बच्चे, आप जानते हैं यहाँ पर वैसे भी कल जन्माष्टमी का मौका था तो बच्चे खेल रहे थे और उस दौरान ये हादसा हुआ। यहाँ के खानपुर के रहने वाले लोग और बच्चे के पिता एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज इन्होंने तो अपना घर का चिराग खो दिया है, अपने घर का जो इनका जो चिराग है वो बुझ चुका है, आने वाले वक्त में ऐसा ना हो इसकी उम्मीद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से लगाए बैठे हैं। और सवाल कर रहे हैं बिजली डिपार्टमेंट से कि जिस वक्त ये हादसा हो गया उसके बाद आपको होश आई कि आप ये तारे आकर टेम्प्ररी ठीक करके जा रहे हैं, परमानेंट भी नहीं, टेम्प्ररी ठीक करके जा रहे हैं। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए एक बार बिजली डिपार्टमेंट से भी सवाल करें, क्योंकि ये सवाल हमारा नहीं है, सवाल इन लोगों का है जिन्होंने एक बार फिर ये दर्द जो है वो बर्दाश्त किया है। चलो, 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 चलो,